वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली इधर है। मेरा नाम अमर। तो सलाखी मूवी दोस्तों ख़त्म हो गई, अब देखते हैं जानी दुश्मन मूवी है, तो प्ले करें। कांग्रेचुलेशंस राजेश, मान गए यार, आज जिंदगी के रिंग में तूने बाजी जीत ही ली है। ये बॉक्सिंग रिंग नहीं है विजय, जो हर बाजी सिर्फ तू ही जीते। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कोर्ट मैरिज या फिर बाप की शादी? नहीं यार, माँ बाप की मर्जी से शादी की है, बकायदा सात फेरे लेकर। वही ना, आशीर्वाद, डोली बोली वगैरह वगैरह सब बोरिंग है। मैं तो अपनी नीता से इंटरनेट पे शादी करूंगा या फिर कोर्ट मैरिज। शादी तो करोगी ना? ऑफ कोर्स, 100%। इतना भाग है मेरे लिए। ओ यार अतुल, ओ तूने तो मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर प्रॉमिस दिया था यार कि जब तक मुझे मेरी पिंकी नहीं मिलती तब तक तू शादी नहीं करेगा यार। और राजेश मुबारक हो यार। थैंक्स। तू कवारा रहेगा। अरे तू फिक्र मत कर, तेरी मेरी शादी साथ में होगी। पिंकी को उसकी माँ की चुंगल से मैं छुड़ा के लाऊंगा। अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा यार है यार। रेडी खींच में, लगता है इसे फिर कोई जोक याद आ गया। जोक सुनाने से पहले खुद ही हंसने लगते हो। आज तक कोई जोक सुना ही नहीं सके। अरे अरे बोलना, बोल दो। आजा, सुनो यार। एक बार एक लड़की अपनी माँ से कहती है शादी के बाद, अपनी माँ से, माँ ये सुहागरात क्या होती है मुझे नहीं मालूम। अपनी बहन से पूछती है, बहन ये सुहागरात क्या होती है मुझे कुछ नहीं मालूम। इतने में एक बुढ़िया आती है, 70 साल की बुढ़िया, कहती है बेटे ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, इनकी कोई स्कूल नहीं होती, और अगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चले जाती हूँ। One minute. Hey, कौन हो तुम? अरे कमाल है, मुझे नहीं पहचाना? अरे मेरी ये हालत देखकर अपने प्रेम को भूल गए? अरे बेटा, जिस प्रेम के चक्कर में तू पड़ा है ना, उसमें एक ना एक दिन हाल तो होना ही था। शट अप यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मौत के मुंह से बचकर मैं तुम्हें यह बधाई देने आया हूँ। अच्छा होता कि मैं अस्पताल चला जाता, कम से कम तुम लोग मुझे फूल देने के बहाने वहाँ मिलने को तो आते। थैंक यू यार, तूने तो मेरे फूलों का खर्चा ही बचा दिया। Hey, welcome. Congratulations. Thank you. मैं फटीचरों की तरह ऐसे ही खाली हाथ नहीं चलाया। ये रहा हीरो का हाथ, मेरी और रश्मि की तरफ से तुम दोनों के लिए। Congratulations. Thank you यार, बहुत बहुत मुबारक। राजेश, अशोक को अपने बाप दादा की दौलत पे बड़ा गुरूर है, प्लीज तुम उसकी बात को बुरा मत मानना। कैसी बातें करती, अशोक की नेचर को कौन नहीं जानता। रश्मि रश्मि, मैं वो अबे क्या कर रहा है, कुछ बोलेगा भी? रश्मि मैं वो ना। क्या बात है राजेश, तूने अपनी शादी में भिखारियों को भी बुला रखा है? ये लो पैसे, और हम सबके लिए दुआ करना। अरे लो, चलो रश्मि। मेरे जैसे प्रेम पुजारी को तूने सड़क छाप भिखारी बना दिया। अरे दौलत क्या, मैं तुझे यही 100 का नोट मेरे और रश्मि की शादी में दूंगा, जहां तू शहनाई बजाएगा। विजय सामने देख, बहुत मजा आने वाला है। लो, एक और मजनू मारा गया। अगर कोई बंदा उस लड़की को जाकर कले लगाए और बिना झापड़ खाए वापस आ जाए तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूं। ठीक है, ये मेरे भी 500, ये मेरे पास मेरे भी 500, ले यार मेरे भी। तो आप में से जाएगा कौन? नहीं, सारे डरपोक हैं। मैं जाता हूं। ये तो टेबल के ऊपर से निकल गया। Sorry. It's okay.
तुम्हारी शर्म आया मर गई क्या? प्यार मुझसे करती हो और गले किसी गैर आदमी की लगती हो। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? भाई उसकी सगी बहन थी, उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। एक बहन का भाई से गले मिलना कौन सा बड़ा पाप है? Bloody fraud cheater. मेरी बात सुन। ओए मेरी बात सुन, तू पागल तो नहीं है इडियट? मेरे पैसे ले। बल्ले पुमन पढ़ना चाहता हूँ। तूने प्रीति को बहन बना के गले लगाया? शराफत से मेरे पैसे लौटाता है, तेरा भाड़ा भर दूँ? ये ले 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 ले। अरे तू भाई है, भाई है मेरा। वो देख भूखे शेर की तरह खड़ा हुआ, चल उसके मजे लेते। चल 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 चल। अतुल आज रात क्या है? आज हमारे लौंडे की सुहागरात है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहा है यार? अरे तू मेहमानों को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाएगा। जा ओ जा यार, सेलिब्रेट के सुहागरात गो। आज तो ये भूखा ना आवे कमरे से। चलो ऊपर चलते। अरे एम्बुलेंस बुलाओ यार, प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दो। ब्रेक द डैम डोर मैन, फास्ट, जस्ट मूव। तुम उधर जाओ, तुम उस तरफ जाओ। हे राजेश, होल्ड ऑन, एम्बुलेंस आ रही है। ओके राजेश, तेरी बाइक को हुआ क्या? राजेश हाँ, ओ गॉड। प्रेम, ये दुल्हन के कपड़े। पूरा कमरा छान मारा, कोई नहीं मिला। हमें फौरन पुलिस को खबर करना चाहिए। जब तुम लोग वहां कमरे में पहुंचे तो वहां पर तुम लोगों को कोई मिला? जी कोई नहीं मिला। उस लड़की से कहां शादी की थी राजेश ने? पता नहीं। उस लड़की का कोई अता पता? पता नहीं। इन कपड़ों से कातिल को पकड़ना नामुमकिन है। अगर इस कत्ल का कोई सुराग दे सकता है तो वो लड़की।
जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के फोटो मैंने रिसेप्शन में खींचे थे जो मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ। इट्स ब्रिलियंट, जाओ पहले उस लड़की के फोटोग्राफ्स लेकर। आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। लड़की की फोटो ही नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल है? वो कौन थी? आज मैं एक आत्मा हूं, पर कल मेरे पास शरीर था, मेरे भी कुछ अपने थे, कुछ दोस्त थे। ओहो भाई यार, मूवी का फर्स्ट पार्ट तो बड़ा ही डरावना था। हम तो खुश हो रहे थे यहाँ पे भाई, श्याम भैया हैं हमारे खिलाड़ी हैं, और भी बहुत सारे थे जिनको हमने पहले भी देखा है, पर बेचारे की वो स्वागरात खराब हो गई। बड़ा खुश हो रहा था अंदर के भाई, अंदर वही ढांचा भाई ऐसी भाई आत्मा बन गई, उसको मार के भाई चली गई भाई, डरा दिया है ये फर्स्ट पार्ट ने हमें। यार मैं भी शौक हो गया जब ये देखा, ढांचा निकल गया क्या दुल्हन के रूप में। पहले तो मुंडी ऐसी बनाई, मुझे हंसी आ गई, बाद में जब मार दिया ना उसको, यार मुझे बड़ा डर लग गया। कितनी खौफनाक ये पहला ही पार्ट था, दुल्हन के रूप में ये ऐसा भयानक भाई हड्डियों का ढांचा निकला भाई, बेचारे को मार मार के उसको बुरा हाल कर दिया। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा डरावना लगा, ये भूत वाला देखा सीन, दूल्हा दूल्हे के रिसान से अटका दी भाई, उसको मार मार के ऐसा बना दिया, हॉरर है भाई। डर गया यार, ये तो भूत हो गया ये भाई, खुशी की रात थी, मजा आ रहा था देखकर, अचानक भयानक हो गया भाई, मैं तो डर गया हूँ।